बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद हमजा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि सर मॉक टेस्ट का बता दें हमें, पीडीएफ कर दें। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं सिर्फ आपको पीडीएफ कर दूँ मॉक टेस्ट, तो आप उन्हीं 20 या 100 सवाल जो मैं आपको भेजूंगा, आप सिर्फ उसी तक महदूद रहोगे। अब मेरी कोशिश है कि मैं आपको समझा दूँ कि टेस्ट में आता क्या है। देखिए, मैं कराची यूनिवर्सिटी पर इतना एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास। एनईडी थी, दाऊद, सर सैयद, अब सारे ऑप्शन खत्म हो चुके हैं आपके पास, राइट? अब कराची यूनिवर्सिटी लास्ट ऑप्शन है। अगर खुदा ना खास्ता स्टूडेंट आप इसमें भी फेल हो जाते हो, तो फिर आपको अगले साल का वेट करना पड़ेगा। और जिस तरह से कोविड-19 चल रहा है, तो फिर हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर कुछ और हो, और हो सकता है कि अगेन फिर वही एवरेज मार्क्स चलें, और फिर यू नो कि डिस्ट्रप्शन कितनी सारी आ सकती हैं। तो एनी हाउ, ये एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, जिसमें मैं मॉक टेस्ट को एक्सप्लेन करता हूँ किस डायमेंशन में कहाँ से कौन सा सवाल आ सकता है आपके पास। तो एंड तक देखिएगा इसको, और इसके अलावा इस वीडियो के ऊपर मैं लिंक डाल दूंगा जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से। तो आपको एक पूरा लेआउट मिल जाएगा केयू का, फिर तैयारी करनी है नहीं करनी, कैसे पढ़ना है, वो आप खुद बनाओगे इसके अंदर अपना स्केजुल। मैंने अपनी अकेडमी में, सर रमजान स्टूडेंट सर्किल में, 2017 में नवम्बर में एक टेस्ट कंडक्ट किया था 100 मार्क्स का, तमाम फैकल्टीज के लिए। उसमें प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स, सब कुछ मौजूद था। और उसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ कि वो टेस्ट कैसा था। सबसे पहले जो सवाल मैंने जनरल नॉलेज के अंदर दिया, दैट पिंग पोंग इज अनदर नेम ऑफ दिस स्पोर्ट, के पिंग पोंग जो है वो किस स्पोर्ट का दूसरा नाम है, दैट इज टेबल टेनिस। अब जब आप खुद गूगल करोगे टेबल टेनिस, पिंग पोंग, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी उससे रिलेटेड। मैं कभी भी ये क्लेम नहीं करता कि मुझसे आप तैयारी करो तो भाई आप 20 out of 20 ले लोगे जीके में। हाँ, ये जरूर कहता हूँ कि आपको एक लेआउट मिल जाएगा कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। सेकेंड सवाल देखें, पहला सवाल स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, सेकेंड सवाल आपको इस्लामिक की तरफ लेगा, द इंजील वॉज रिवील्ड ऑन। ये भी जनरल नॉलेज का सवाल है भाई, इंजील किस नबी के ऊपर आई थी वो आपने बताना है। थर्ड, पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड के लार्जेस्ट पार्क कहाँ पर है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। आईएमएफ पे ले गए आपको, ग्लोबलाइजेशन, जो ग्लोबल इदारे हैं आपके पास, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। इसके अलावा फिर फिजिक्स पे जंप आई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय, कौन से मीटर से आप विंड स्पीड को मेजर करोगे। बात फिजिक्स की चल रही थी, उसके बाद आपको फोबिया के ऊपर ले गए कि भाई एक्रोफोबिया किस चीज का फोबिया होता है, एंड बेरी बेरी, बेरी बेरी जो बीमारी है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कॉज होती है, आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स हैं, ठीक हो गया। 9 देखें, ग्रेट वॉर किस वॉर को कहते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, हम सबको पता है कि यूएसए में, यूएसए की कौन सी स्टेट के अंदर है, न्यू जर्सी, ऑस्लो, न्यूयॉर्क, फ्रांस। ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर बेशुमार यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें से ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट कौन सी है और किस जगह पे मौजूद है। 12 देखें, विच कंट्रीज फ्लैग हैज अ रेड मैपल लीफ, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके झंडे के ऊपर एक पत्ता बना हुआ होता है, रेड मैपल लीव होता है, तो वो कनाडा है हमारे पास। पहला बंदा जिसने मून के ऊपर अपना फर्स्ट स्टेप रखा था, वो कौन से एयर में गया था। जब आप इसको गूगल करोगे तो आपको उस बंदे का नाम भी पता चलेगा, उसकी कंट्री भी पता चलेगी, और उसके बारे में जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी वो भी आपका जीके का पार्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, नेम ऑफ करंट गवर्नर सिंह, जाहिर है 2017 का, अब तो चेंज हो गए, अब आपको दूसरा नाम मिलेगा इसमें। लैंड ऑफ राइजिंग सन, इसका यह मतलब है कि दुनिया में सबसे पहले जो सूरज है वो आपके पास जापान में निकलता है। ताजमहल इंडिया के किस सिटी में मौजूद है, मेयर ऑफ लंदन कौन है, लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है या उसका नाम क्या, डायलिसिस का क्या मतलब है, और कायद अजम ने अपने 14 पॉइंट किस एयर में दिए थे। अब स्टूडेंट, टू बी ऑनेस्ट, ये वो चीजें जो आपने शायद पहले कभी पढ़ी हो, 30-40% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने शायद कभी ये पढ़ा हो, लेकिन इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो हमारा सिंध बोर्ड का बच्चा है, मुझे नहीं लगता कि उसने सारी चीज़ें पहले पढ़ी हुई। तो इसके लिए आपको एक लेआउट प्रोवाइड किया जाता है कि भाई कहाँ कहाँ से सवाल आ सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो है तो इसमें मैं थोड़ा सा तेज गया हूँ, लेकिन आप इसको पॉज करके ईजिली गूगल कर सकते हो। अब जरा इंग्लिश का थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं, इंग्लिश में क्या चीज़ें आती हैं। देखें, सिलेक्ट द वन विद क्लोजेस्ट मीनिंग, यहाँ क्लोज का मतलब हो गया सिनोनिम्स, आपसे सिनोनिम की बात करेगा वो। तो यहाँ पे से 3 आपको सिनोनिम के सिर्फ वर्ड्स दिए हैं, अब उन वर्ड्स का आपने क्या करना है, यहाँ से राइट ऑप्शन को मार्क करना है। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द अपोजिट इन मीनिंग, यानी कि एंटोनियम की बात कर रहा है वो आपसे, आपने एंटोनियम्स बताने।
अच्छा सेनोनिम एंटोनिम बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, लेकिन स्किप इट ट्रिक होती है, रूट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, हम उसके थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स, जहाँ पे आपके पास प्रेपोजिशन है ऑन एट टू ऑल, तो अगर आप स्मार्टली प्रेपोजिशन करें तो आप ये वाले जो मार्क्स हैं वो इजिली निकाल सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा हवा नहीं है ये। फिर एनालॉजीज आती हैं आपके पास, इसमें क्या है कि इन दो वर्ड्स का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है और इसी रिलेशन से मिलता जुलता यहाँ पे कोई रिलेशन होगा जिसको आपने मार्क करना है, ठीक हो गया। और इसके बाद स्पॉटिंग द एरर, जिनकी ग्रामर अच्छी है वो इसको अच्छा निकाल लेंगे, और वैसे भी स्पॉटिंग एरर भी आसान आते हैं। तो यहाँ पे दो मैं कहूँगा आपको बोनस चीजें मिल जाती हैं, एक प्रेपोजिशन, सेकेंड स्पॉटिंग एरर, जिसके अंदर आपकी सिर्फ कमांड होनी चाहिए, और लास्ट इज पैसेज, पैसेज भी स्टूडेंट कर लेता है। तो जहाँ तक मेरा रफली एक आइडिया है, तो अगर आप 20 में से 11 या 12 आप इंग्लिश में निकाल लो और इतने ही मार्क्स अगर आप जीके में निकाल लेते हो 12 से 13, तो अच्छे 25 से 30 मार्क्स आपने यहाँ से निकाल लिए। अब बाकी जो रेस्ट है वो तो ऑलरेडी आपकी फिंगर टिप्स को होते हैं। आपने अगर एनईडी का टेस्ट दिया तो आपने फिर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी दाऊद में, सर सैयद में, और अब दोबारा से मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ोगे। अच्छा 40 मार्क्स वहाँ पे हो गए। आप देख लें मैथ्स के अंदर किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर, इसकी प्रॉपर्टी पूछ रहा है, इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, लिमिट के सवाल मौजूद हैं यहाँ पे, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल, सेट्स, ठीक हो गया, मैट्रिसेस, मैट्रिसेस लाजमी करिएगा, सीक्वेंस सीरीज है, प्रोबेबिलिटी है, इसी तरह से परमुटेशन कम्बिनेशन भी है इसके अंदर, इक्वेशन है, ठीक है। तो ये 20 सवाल आपके पास मौजूद हैं। अब एक तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो स्टूडेंट इसको बहुत ज़्यादा हावी कर लेता अपने ऊपर। देखिए हावी नहीं करना, ये जो सवाल अभी आपके सामने नहीं, विदाउट कैलकुलेटर ही हो जाएंगे सारे, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है आपने। सिमिलरली आप फिजिक्स देख लें कि फिजिक्स की डायमेंशन यहाँ पे क्या चल रही है। अब वीडियो है और वीडियो में मेरे पास टाइम लिमिट है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको लेके चल रहा हूँ, लेकिन आप इसको सुकून से पॉज करके देख लें कि इन्होंने क्या चीज़ें पूछी हुई हैं। पावर का यूनिट पूछा हुआ होगा, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में से सवाल आ रहे होंगे आपके पास, इसी तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ठीक है, ये सारा कुछ फिजिक्स के अंदर पूछेगा आपसे। और बाकी जो स्टूडेंट हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं सर कौन सा चैप्टर छोड़ें कौन सा चैप्टर नहीं छोड़ें। इधर आ गए हम केमिस्ट्री के ऊपर, एक्वरीजिया किसका मिक्सचर होता है, और इसमें ज़्यादातर सवाल बायो केमिस्ट्री से भी आपको मिलेंगे। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तो उनको मत छोड़िएगा। इनऑर्गेनिक बेशक आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ये आपके पास हो गया मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हो गई, और मेरा ख्याल उसके बाद कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यूज आ जाएंगे आपके पास, कंप्यूटर वाले देख लें। आप चाहें तो आप उसे ये ले सकते हैं, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और एक तीन मेरे पास डिफरेंट किस्म के मॉक टेस्ट मौजूद हैं, जिसके चार्जेस वगैरह सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और जिन स्टूडेंट को कोई भी परेशानी